स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे मधुपुर के दंगल की। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आखिरी दिन बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी एसडीओ योगेंद्र प्रसाद के सामने पर्चा भरा है। नामांकन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के कई नेता मधुपुर में मौजूद रहे, लेकिन एनडीए में सहयोगी आजसू के नेता नदारद रहे। ना आजसू का कोई नेता पहुंचा, ना ही बैनर पोस्टर पर उनकी तस्वीर दिखी। यानी नामांकन एनडीए प्रत्याशी का हुआ, लेकिन गंगा नारायण पूरी तरह से सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर दिखे। वही आजसू किनारे दिखा, जिसके खिलाड़ी के भरोसे बीजेपी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि पिछले दिनों आजसू पार्टी को छोड़कर गंगा नारायण सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था। इसके बाद भाजपा ने उन्हें मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। झारखंड की मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल 2021 को वोटिंग होगी, 2 मई 2021 को काउंटिंग होगी।